हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाउ आर यू? चलिए तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे हम लोग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। आज हम लोग अब अपने वापस ट्रैक पर आते हैं, अपने सिलेबस पे आते हैं जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। हाँ, एक और बात बताना था, एक इम्पोर्टेंट बात, चलिए मैं वो लास्ट में बात बताऊँगा, ठीक है। कल के क्वेश्चन में एक बात रह गया था तो उसको मैं चर्चा करूँगा उस पर भी। आइए फिलहाल हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ लिए थे। हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग जाने थे, रिफ्रैक्शन के बारे में भी जाने थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जाने थे, स्नेल्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़े थे, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस के बारे में भी हम लोग पढ़े। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस के बारे में भी हम लोग पढ़े। और अब आगे हम लोग चलते हैं, इसमें भी जैसे हम लोग मिरर में छोटा छोटा टॉपिक्स हम लोग पढ़े थे, जैसे एपर्चर, पोल है ना, फोकस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन सब के बारे में पढ़े थे। रे डायग्राम का एक्सप्लेन स्टडी करने के लिए हम लोग सारे चीज़ को पढ़े थे। अब हम लोग आते हैं, शुरू करते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट हैं लेंस में भी, वो शायद हम ये आप लोग को डील भी किए थे, लेकिन चूंकि थोड़ा सा बीच में गैप हो गया है इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसको दोबारा एक बार रिवाइज करा दिया जाए, तो ठीक है इसको हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं। जैसे लेंस में मिरर में पोल होता है, वैसे ही लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है, बिल्कुल मिड में एक पॉइंट होता है, तो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। जितना भी डिस्टेंसेस मेजर किया जाता है लेंस में, मैंने ये भी आपको बताया था कि कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट होता है तो वह विदाउट डेविएशन निकल जाता है, ये भी आप लोगों को बताया गया था। उसके बाद अलग अलग स्फेरिकल लेंस के टाइप भी बताए गए थे आप लोगों को, और उसके बाद आपको फोकस भी बताया गया था। चलिए फोकस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आप लोग जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस जो होता है उसे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, और जो कॉनकेव लेंस होता है उसे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। इसका भी कॉज का भी चर्चा हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। तो आइए हम लोग फोकस के बारे में पता करते हैं कि फोकस क्या होता है। तो देखिए फोकस जो, जैसा कि मैंने बताया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस होता है या बाईफोकल लेंस होता है, दो फोकल प्लेन होता है इसका, इसलिए एक फोकस को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं और दूसरे फोकस को हम लोग सेकेंडरी फोकस कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी लेंस है, अगर इसका स्फीयर बनाते हैं तो इधर से भी एक स्फीयर बन जाएगा और एक इधर से भी स्फीयर बन जाएगा, एक इधर से भी स्फीयर बन जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें दो फोकस होते हैं, एक को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी फोकस हम लोग कहते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है इसके बारे में जानिए। तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वह क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। ये डाइवर्ज करता है, ये इंसिडेंट लाइट रेज जो आता है, पड़ता है, फॉल करता है इस पर, उसको क्या करता है, यह डाइवर्ज करता है। तो देखिए पहले प्रिंसिपल फोकस का हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। तो यहां से कोई लाइट रेज निकला और ये क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। दो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, एक सिचुएशन है
दूसरा सिचुएशन आपको मैं बता रहा हूं, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, और यहां से पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज होकर के एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, यही दोनों पॉइंट जो है वो फोकस है, इसमें से एक को कहिए प्रिंसिपल फोकस है और ये आपका सेकेंडरी फोकस है, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये सेकेंडरी फोकस है। प्रिंसिपल फोकस को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट इज अ पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस को हम लोग डिफाइन करते हैं इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस सच दैट बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस आइदर एक्चुअली मीट और अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर कोई आपको फोकस का डिफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज कॉल्ड फोकस, तो आप क्या बोलेंगे कि लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद इंसिडेंट लाइट रेस एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे मिलता है या मिलता हुआ अपीयर होता है तो उसको हम लोग फोकस करते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल फोकस के बारे में, तो प्रिंसिपल फोकस के को डिफाइन किया जाता है कि रे ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन ट्रैवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी अगर आपको कोई पूछेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस का क्या डिफिनेशन है तो आप कहिएगा कि रे ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, रे ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम दैट पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे, इस ओरिजिनेटिंग पॉइंट को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और सेकेंडरी फोकस के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा, सेकेंडरी फोकस के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन गेट कन्वर्ज एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, सेकेंडरी फोकस, ठीक है। ये सेकेंडरी फोकस हो गया, ये आपका प्राइमरी फोकस हो गया। प्राइमरी फोकस से लाइट रेज इंसिडेंट होगा, निकलेगा, प्राइमरी फोकस से लाइट रेज निकलेगा और वो क्या करेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा। और सेकेंडरी फोकस, जो सेकेंडरी फोकस पे वो कौन सा होगा कि जब पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन गेट कन्वर्ज एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी फोकस। तो इसके बारे में हम लोग पढ़े थे और ये भी हम लोग पढ़े थे कि ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के इस फोकस तक के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के और ये फोकस तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं फोकल लेंथ कहते हैं। इसको भी हम लोग जो फोकस होता है इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ होता है इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ये आप लोग पढ़े थे। अब एक बार हम लोग कॉनकेव में भी प्रिंसिपल फोकस और देखिए अंतर देखिएगा, प्रिंसिपल फोकस और सेकेंडरी फोकस में क्या डिफरेंस है। प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है जहां से इंसिडेंट लाइट रेज ओरिजिनेट होता है और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास करता है, और सेकेंडरी फोकस वो पॉइंट होता है जब इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सेकेंडरी फोकस कहते हैं। और सेम चीज इसमें भी कॉनकेव लेंस में भी होता है, तो उसका भी ड्रॉइंग बना करके हम लोग देखते हैं। ये आपका यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया,
ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। चलिए तो इसमें क्या होता है, आपको बताया गया है कि जो कॉनकेव लेंस होता है वह कैसा लेंस होता है, तो डाइवर्जिंग लेंस होता है, वो डाइवर्ज कर देता है। इसका रीजन बताया गया था कि इसका जो ये आपको बताया गया था कि लेंस जो है वो बहुत सारे प्रिज्म से मिलकर के बना हुआ है। तो कॉनकेव लेंस में जो है ऐसा अपीयर होता है कि ये इन्वर्टेड प्रिज्म है, उल्टा, इसका चौड़ा बेस ऊपर की तरफ है, तो जिधर वाइडर बेस होता है उधर की तरफ लाइट जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज है वह मुड़ जाता है कि नहीं। तो इसके बारे में आपको बताया गया था। तो सबसे पहले आइए प्रिंसिपल फोकस हम लोग किसको कहेंगे, तो प्रिंसिपल फोकस कहेंगे हम लोग कि जब लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज कर जाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, डाइवर्ज कर जाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज कर जाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, डाइवर्ज कर जाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज कर जाएगा, और इसको इस डाइवर्जिंग जो डाइवर्जिंग रे है इसको अगर पीछे खींच करके लेके आएंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर एपियर टू मीट होगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर मिल रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, ठीक है। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, तो इसी में एक और सिचुएशन में हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहां पर इंफिनिटी से आता हुआ पैरेलल ये इंसिडेंट लाइट है, इंफिनिटी से आता हुआ इंसिडेंट लाइट रे, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, डाइवर्ज कर जाएगा, और डाइवर्ज करके कैसे जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, ठीक है। और इन्हीं को इसी लाइन को जब आप खींच करके लेके आएंगे इसकी तरफ, है ना, तो ये एक पॉइंट पर अपीयर टू मीट होगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, इसको हम लोग कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ये हो गया आपको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और ये हो गया सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जिसके बारे में आप लोगों को बताया भी गया था, ठीक है। तो ये फोकस हो गया, ये फोकस हो गया, इसके लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से इसके लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। तो ये फोकल लेंथ, फोकस के बारे में, फोकल लेंथ के बारे में चर्चा हो गया। अब हम लोग आते हैं इसमें भी इमेज रे डायग्राम, हम लोग लेंस के लिए भी रे डायग्राम बनाते हैं, तो कैसे कैसे हम लोग रे डायग्राम इसमें बनाएंगे, इसमें क्या रूल होगा, जैसे कि मिरर में भी हम लोग बनाए थे तो रूल्स को फॉलो किए थे, इसमें भी रूल्स हैं, तो क्या रूल्स हैं, आइए उसको भी हम लोग समझते हैं। डिस्कस किए थे एग्जाम का क्वेश्चन, उसमें एक चीज पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, एक ग्राफ का क्वेश्चन था और उसमें सीरीज पैरेलल की बातें कही जा रही थी और उसमें हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वाई एक्सिस पर आई था और इस पर भी था, तो भी बाई आई रेशियो ना होता है आपको रेसिस्टेंस, भी बाई आई रेशियो होता है रेसिस्टेंस, और इसमें ऐसे था और ये ऐसे था, इसमें आपको दिया हुआ था पैरेलल और ये दिया हुआ था सीरीज, तो बताइए कि ये वाला बात सही था कि गलत था, ये हम लोग इसको गलत हम लोग बोल दिए थे, लेकिन इसका आंसर यही होगा, क्यों, क्योंकि ये तो ग्राफ उल्टा है, वाई एक्सिस पर आप आई को दिखा रहे हो, यहाँ पर भी स्लोप निकालते हैं टैन थीटा से, स्लोप निकालते हैं टैन थीटा से, इसका स्लोप बड़ा होगा, इसका स्लोप छोटा होगा, है कि नहीं, तो यहाँ पर टैन थीटा तो निकालेंगे तो उल्टा आ जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि आई ऊपर है, आई वाई एक्सिस पर है और भी जो है हमारा एक्स एक्सिस पर है ना, आई जो है वो वाई एक्सिस पर है और भी जो है हमारा एक्स एक्सिस पर है,
तो उल्टा हो गया, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही था। अगर यहाँ पर भी रहता और यहाँ पर आई रहता तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता, क्योंकि तब रेसिस्टेंस पैरेलल में ज्यादा होता और सीरीज में कम होता, जो कि ऐसा होता नहीं है। सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ज्यादा होता है और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कम होता है। तो कहने का मतलब है कि पैरेलल में हमें कम चाहिए, सीरीज में ज्यादा चाहिए। और ये अगर भी रहता, ये अगर आई रहता, तो इस समय तो पैरेलल में रेसिस्टेंस ज्यादा और सीरीज में कम, जो कि होता नहीं है। तो अगर आगे भी क्वेश्चन में दिया हुआ था हम लोग का यहाँ पर आई और यहाँ पर भी, इसका मतलब क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कि ये ऑप्शन सही है कि नहीं। तो चलिए, ये वाला हम लोग कल ध्यान नहीं दिए थे, बच्चा रिमाइंड भी किया था लेकिन वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए। ये आई था यहाँ पर और बी था, बाद में देखा तो पता चला कि यहाँ पर आई है और यहाँ पर बी है, तब तो ये ग्राफ उल्टा हो गया ना, ये ग्राफ उल्टा हो गया। ठीक है, अगर इसमें बी बाई आई निकालेंगे तो हमें कॉट थीटा मिल जाएगा। ठीक है, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक, चलिए आइए हम लोग बैक टू अपने पढ़ाई पे आ जाते हैं, स्टडी पे जो हम लोग का चल रहा है। तो इस पे हम लोग आ जाते हैं, अब इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है लेंसेज में, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये आपका, पहले आप लोग कॉन्वेक्स लेंस में ही हम लोग पढ़ते हैं, पहले कॉन्वेक्स लेंस में ही हम लोग इमेज कैसे फॉर्म होता है सो करते हैं। इसमें रूल क्या है उसको देखिए, वही सेम रूल फिगर के जैसा, कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो वह क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो करके प्रिंसिपल एक्सिस पे ये एक पॉइंट पर कट करेगा, यानी फोकस से होकर के जाएगा। कहाँ से होकर के जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा। और सेम अगर लाइट रे फोकस से इंसिडेंट होगा तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। ठीक, इसी का उल्टा डायग्राम बनाएंगे, इसी का उल्टा अगर डायग्राम बनाते हैं तो क्या होता है कि जब यह फोकस से लाइट रेज इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा। तो ये दोनों रूल के बारे में पता है। थर्ड रूल हम आपको आज बिगनिंग में ही, क्लास के बिगनिंग में बताए थे कि जब कोई लाइट रेस ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो क्या होगा, बिना डेविएशन के वो सीधा निकल जाएगा, पास कर जाएगा। तो यही सब रूल्स हैं, इसी रूल्स को ध्यान में रख करके और हम लोगों को रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग, जैसे मिरर में अलग अलग पोजीशन पर, अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रख करके हम लोग इमेज बनाए थे, रे डायग्राम बनाए थे, ठीक हम लोग लेंस में भी वैसा ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम, चलिए तो सबसे पहले हम लोग इन्फिनिटी पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इन्फिनिटी पे दो तरीके से होता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन में ऑब्जेक्ट है तो, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन में ऑब्जेक्ट नहीं है तो। इन्फिनिटी पर हम लोग दो तरीके का इमेज बनाते हैं, यानी कि सबसे पहला हेडिंग देते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा रे डायग्राम बनता है उसको यहाँ पर देखा जाए। ये है आपका कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस सेकेंड, यहाँ पर दूसरा F1, यहाँ पे 2F1 और इधर में 2F2। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखे हैं इन द लाइन ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो इन द लाइन ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो इन्फिनिटी से तो हम लोग जानते हैं कि लाइट रे जो इंसिडेंट होता है वह पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, वह किधर होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये कन्वर्ज होकर के कहाँ से निकलेगा, तो यह फोकस से होकर के निकलेगा, तो निकाल देते हैं इसको फोकस से। और जैसे रिफ्लेक्शन में इमेज कहाँ बनता था, रिफ्लेक्शन में इमेज कहाँ बनता था, रिफ्लेक्शन में इमेज वहीं बनता था जहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे, वहीं पर इमेज फॉर्म होता था। सेम यहां पर भी होगा, इमेज कहां फॉर्म होगा, फोकस पे जहां पे रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिल रहे हैं वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में
तो ये तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे है जब प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन में है। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन में नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए उसका ये डायग्राम हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2, 2F2 है ना। और यहां पर क्या करते हैं, ये देखिए इस लाइन में ऐसे ऐसे लाइट रह जाएगा, ऐसे लाइट रह जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, लाइट रह जाएगा तो ये क्या होगा, ये कन्वर्ज करके फोकल लेंथ फोकस के सामने ही, ये कन्वर्ज करके क्या होगा, फोकस के एकदम बिल्कुल फोकस के सामने ही, फोकस के सामने ही कटेगा, एकदम ठीक फोकस के नीचे ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक फोकस के नीचे ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। और यहीं पर इमेज का अब कहिए सर इतना बड़ा इमेज बनेगा, नहीं इस पॉइंट पर बहुत छोटा इमेज बनेगा, इस पॉइंट पर बहुत छोटा इमेज बनेगा रियल एनिमॉर्टेड। ये फोकल ये कहते हैं, आपको बताया गया था पिछले क्लास में, हमको याद आ रहा है, मैंने बताया था फोकल प्लेन, जो फोकस पे वर्टिकल प्लेन होता है उसको हम लोग फोकल प्लेन कहते हैं। ये फोकस है, यहाँ पर जो वर्टिकल प्लेन है उसको हम लोग क्या करेंगे, फोकल प्लेन कहेंगे। तो सेम फोकल प्लेन में इमेज बनेगा जो हाईली डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड होगा, जो हाईली डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड होगा, हाईली डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम फोकस पे ही इमेज बन रहा है, यहाँ पर भी सेम फोकस पे, एक ही फोकल प्लेन में है, एक ही फोकल प्लेन में है, फोकस पे ही इमेज बनेगा, ठीक है। चलिए अब ये हमने देख लिया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी है ना, तब इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पे बनेगा जो रियल एंड इन्वर्टेड होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे पोजीशन पे, थोड़ा सा और अंदर लेके आते हैं, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर है ना, अब थोड़ा सा और अंदर लेके आते हैं, जस्ट बियॉन्ड द 2F1 रखते हैं, जैसे मिरर में हम लोग इन्फिनिटी से लेकर के आए थे जस्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखे थे, तो आइए हम लोग भी जस्ट बियॉन्ड द 2F1 यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं और देखते हैं कि वहां पर इमेज कैसा बनता है। तो एक सिचुएशन हो गया, एक कंडीशन हो गया हमारा, दूसरे कंडीशन पर सेकेंड वाला फोकस का क्या काम है, देखिए सेकेंड वाला फोकस, देखिए आपको पता है कि ये तो बाईफोकल होता है, इधर से भी इंसिडेंट लाइट रे जा सकता है, इधर से भी जिधर आप ऑब्जेक्ट रखे हैं उधर इंसिडेंट लाइट रे जा सकता है, तो बाईफोकल का मतलब कि इसमें दो फोकस है ना, दो फोकस है। चलिए तो अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे पॉइंट पर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट बियॉन्ड द 2F1 है ना, फिर क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है ना, आपने यहां पर जो मैंने बनाया एक बार और देखिए, हाईली डिमिनिश्ड ही है, हाईली डिमिनिश्ड ही है, आप अपने कलम से कुछ भी बना दे तो थोड़ी हो जाएगा ऐसा, नहीं ये देखिए F1 यहां पर 2F1 यहां पे F2 और ये 2F2 यहां से ऐसे आया लाइट रेज पैरेलल, यही ना बना थे रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या होगा ऐसे जाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे जाएगा, रिफ्रैक्शन यहां पर तो अगर सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो बिल्कुल सीधा जाएगा, और यहीं पर ये फोकस एक ही प्लेन में कट कर रहा है, एक ही फोकल प्लेन में कट कर रहा है, और जहां पर ये कट करेगा वहीं पर ना इमेज बनेगा, आपने यहां से यहां तक इमेज ले लिया ना, वो इमेज नहीं बनता है, यहाँ पर ये जहाँ पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है सेम को, ये भी फोकस ही है इसका, एक ही फोकल प्लेन में इसका यहाँ पर डिमिनिश्ड इमेज बनता है। आप ये मत समझिए कि ये इमेज बन रहा है, नो, इमेज बन रहा है ये जहाँ पर एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये छोटा सा इमेज यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज। अब आते हैं हम लोग रखते हैं कि when object is placed just beyond the 2F1, object is placed
जस्ट बियॉन्ड 2F1, फिर क्या होगा? आइए हम लोग देखते हैं। जस्ट बियॉन्ड 2F1 पे इमेज, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2, ठीक है। चलिए अब इस पे आते हैं और इस पे ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं जस्ट बियॉन्ड इट, है ना। तो क्या होगा, आपको मैंने बताया था कि जब इमेज रे डायग्राम बनाइएगा, ऑब्जेक्ट से इमेज लाइट रेज कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, ऐसे फैलता है, जाता है। तो यहां से एक लाइट रेज ऐसे निकला पैरेलल, ये हमेशा निकलेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कहां से होकर के जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा, कहां से होकर के जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा। और एक लाइट रेज निकलेगा, एक लाइट रेज निकलेगा जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगा, एक लाइट रेज निकलेगा जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगा और ये बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, कोई डेविएशन नहीं होगा, और यही पर इसका इमेज बनेगा जो रियल और इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये बी डैश ए डैश होगा, बी डैश ए डैश होगा, ठीक है। क्या समझे आप कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट बियॉन्ड द 2F1, एक लाइट रे चलेगा पैरेलल टू द, हमेशा हर केस में एक लाइट रे निकलता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो फोकस से होकर के जाएगा, और एक लाइट रे निकलेगा जो ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर के क्रॉस करेगा बिना डेविएशन का, और ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी इमेज का पोजीशन क्या होगा, बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2, और वह कैसा इमेज होगा, वह कैसा इमेज होगा, तो वह रियल एंड इन्वर्टेड होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आइए इसमें साइन कन्वेंशन को भी हम लोग यूज करते हैं। क्या पढ़े थे आप लोग साइन कन्वेंशन में, कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला डिस्टेंस नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, ये नीचे वाला डिस्टेंस नेगेटिव। उसके बाद क्या पढ़े थे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस नेगेटिव। तो इसके इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव और इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस नेगेटिव, ठीक। और दूसरी बात, तीसरी बात, कि कोई भी डिस्टेंस लेंस में मेजर किया जाता है ऑप्टिकल सेंटर से, कोई भी डिस्टेंस लेंस में मेजर किया जाता है ऑप्टिकल सेंटर से, जैसे हम लोग मिरर में पोल से करते थे, उसी तरीके से लेंस में हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। और इसमें भी हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू लिखते हैं, इमेज डिस्टेंस को भी लिखते हैं। अब आइए हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखते हैं कि हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट तो इधर है, हम लोग जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहाँ से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो ये तो इंसिडेंट लाइट रेज ऐसे है, इंसिडेंट लाइट रेज का डायरेक्शन ऐसे है और हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ऐसे, अपोजिट मेजर कर रहे हैं, तो क्या लेंगे, नेगेटिव, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा क्या, माइनस यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस यू। अब आते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस देखते हैं। तो अभी बताया कि इमेज डिस्टेंस या कोई भी डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये इमेज का डिस्टेंस है और ये तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये पॉजिटिव होगा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। अब इसके लिए फोकल लेंथ ये है, फोकल लेंथ, तो इसको ये इस फोकल लेंथ को मेजर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट को हम लोग प्लस में लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है इमेज, तो इमेज का जो हाइट लेंगे वो हम लोग नेगेटिव लेंगे, यानी हाइट ऑफ द इमेज जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी साइन कन्वेंशन आप लोग का क्लियर है, साइन कन्वेंशन क्लियर रहना चाहिए, न्यूमेरिकल अपने आप बनेगा, न्यूमेरिकल अपने आप बनेगा आप लोगों से, ठीक है। चलिए
तो ये हम लोग अब देख लिए सेकंड केस कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट बियॉन्ड द 2F1 देन इमेज फॉर्म बिटवीन F2 एंड 2F2 एंड व्हिच इज रियल इनवर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटा यहां पर इमेज बनता है। अब थोड़ा सा और अंदर की तरफ आते हैं, लेंस की तरफ आते हैं। लेंस देख रहे हैं, पहले फोकस पे इमेज बना, अब फोकस से थोड़ा और हट गया। जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेके आ रहे हैं, इमेज जो है वह लेंस से दूर होता जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेते आ रहे हैं, इमेज हमारा दूर होता जा रहा है। इमेज हमारा क्या हो रहा है, दूर होता जा रहा है। देखिए ना, अभी और दिखाएंगे आप। अब थर्ड पोजिशन हम लोग लेते हैं, थर्ड पोजीशन लेते हैं कि या जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1 तो आइए हम लोग, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये 2F1 और ये F2 है और ये 2F2 है। देखिए जब ऑब्जेक्ट को आप यहां रखते हैं तो देखिए इसका इमेज कैसा बनता है। तो भाई एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, जो फोकस से होकर के जाएगा, चला गया, ठीक है। एक लाइट रे आएगा जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास कर गया और यहीं पर थोड़ा सा सीधा सीधा हम लोग बनाइए यहाँ पर, है ना, यहीं पर जो है आपको 2F2 है और यहीं पर आपको इमेज बनेगा। यहीं पर क्या होगा, आपका इमेज बनेगा। यानी कि जब 2F2 यानी कि जब ऑब्जेक्ट को आप 2F1 पे प्लेस करते हैं तो इमेज भी 2F2 पे ही बनता है। याद कीजिए मिरर का रे डायग्राम, जब आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उसका इमेज कहाँ बना था, उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना था। याद कीजिए जरा, आपको कॉनकेव मिरर में व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर यू गेट द इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर विच वॉज इक्वल इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच वॉज इक्वल इन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर था। सेम कंडीशन यहाँ भी है भैया, यहाँ इसका भी इमेज बना, यहाँ पर रियल एंड इनवर्टेड, और ये दोनों का साइज क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों का साइज क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस केस में भी आपने देखा कि जैसे ही ऑब्जेक्ट को लेकर के हम इसके नजदीक आए, लेंस के नजदीक आए, हमारा इमेज थोड़ा सा और लेंस से दूर खसक गया। पहले तो F2 और 2F2 के बीच में बनता था, अब तो सीधा F2 पे बनने लगा, अब इसके आगे बनेगा तो देखिएगा और इधर की तरफ जाएगा। यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स क्लोजर टू द कॉन्वेक्स लेंस इमेज गेट फार अवे फ्रॉम द लेंस, ठीक है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास में लेके आते हैं और इमेज क्या होता है, इससे दूर होता जाता है, ठीक है। आते हैं थर्ड स्टेज हम लोग, यहाँ पर साइज इक्वल है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज है, बस रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। चलिए अब इसमें आते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा और अंदर लेके आएंगे, 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो आइए हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। When object is placed, 2F1 यहां पर F2 और ये बन गया आपको 2F2। When object is placed between 2F1 and F1, 2F1 और F1 के बीच में और किसका के अंदर की तरफ ले गया है, ठीक है। इसका इमेज कैसे बनेगा, इसका इमेज कैसे बनेगा, तो देखिए एक लाइट रेज तो जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कहां से होकर के जाएगा,
जो फोकस से होकर के जाएगा। कहाँ से होकर के जाएगा? जो फोकस से होकर के जाएगा। और फिर एक दूसरा लाइट रेज निकलेगा, एक दूसरा लाइट रेज निकलेगा जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगा ठीक है, चला गया। ये हो गया क्या आपको? अब यहां पर ऑब्जेक्ट का इमेज बना, 2F2 से भी बाहर ऑब्जेक्ट का इमेज बना, 2F2 से। इसके पहले वाले केस में 2F2 पर इमेज बना था, अभी 2F2 से भी बाहर इमेज बना जो रियल है, इन्वर्टेड है, बट लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, मैग्निफाइड इमेज बन रहा है हमारे को। कैसा इमेज मिल रहा है? मैग्निफाइड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है ठीक है। ये बीडेस एडेस, ये अगर ए बी है तो ये बीडेस एडेस है ना, रियली रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज बन रहा है हमारे ठीक है। इस बात को आपने समझ गए? और थोड़ा सा क्लोज लेके आते हैं, और क्लोज लेके आएंगे तो फोकस पे लेके आ जाएंगे, और क्लोज लेके आएंगे तो कहाँ आएंगे? फोकस पे लेके आ जाएंगे। तो आइए हम लोग इसको फोकस पे भी लेके आते हैं। अच्छा, हम लोग का सेशन खत्म हो गया, अब नेक्स्ट क्लास लाइनअप है ठीक है। तो आज हम लोग इस अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं ठीक है। पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा सा आप लोग का जो भेजा गया क्वेश्चन था थोड़ा कम डिस्कस हो पाया बिजी शेड्यूल के कारण, लेकिन अब हम लोग फ्री हैं और आप भेज सकते हैं जो भी आपका जो पुराना क्वेश्चन सब भेजा गया है। आज डेफिनेटली सब कुछ बन करके सबका सोल्यूशन आपके पास पहुंचेगा ठीक है। और ठीक है ओके, आप लोग हार्ड वर्क अपना जारी रखें। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।